हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं IQ Z3 5G स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने दो दिन पहले वीडियो बनाया था IQ Neo 5G स्मार्टफोन के बारे में, और अभी तक वो आपने वीडियो जाकर नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें। तो दोस्तों, IQ Z3 5G स्मार्टफोन की बात कर ले तो ये स्मार्टफोन चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 20 मार्च को, और ये स्मार्टफोन अब इंडिया में आने वाला है मई महीने में। और इस फोन के बेस वेरिएंट की प्राइस चाइना में 6GB 128GB की प्राइस 18,000 के आसपास है। तो देखते हैं इसकी प्राइस इंडिया में क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे IQ Z3 5G स्मार्टफोन के फुल लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में, प्राइस के बारे में, एंड लॉन्च डेट के बारे में। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह के टेक रिव्यू की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस फोन की प्राइस अंडर 20,000 के आसपास है, और ये स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में काफ़ी बड़े अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करवा देता है। तो इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फोन के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। डिस्प्ले की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का IPS LED का पैनल देखने को मिलेगा, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच वाले डिस्प्ले के साथ आता है, जहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, HDR10 का सपोर्ट मिलने वाला है। डिज़ाइन की बात कर ले तो यहाँ पर आपको रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड IQOO की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बाकी ये स्मार्टफोन लुक वाइज ठीक ठाक होने वाला है। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि कम्प्लीटली 5G चिपसेट है। ऑक्टोकोर का चिपसेट है, 7 NP पर बेस होगा। बैटरी पेंसी काफ़ी बड़ी ऐसी देखने को मिलेगी। एड्रेनो 620 का GPU मिलेगा, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर लोगे। एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलेगा, जो कि फंटस OS पर बेस होने वाला है। कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर आपको रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 64MP का, 64+8+2MP, जहाँ पर आपको 64MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे। फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वाली वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे। बैटरी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 4400mAh की बैटरी मिलेगी, वहीं पर आपको 55W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि एक टाइप सी पोर्ट के साथ आने वाला है। सेंसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक सेंसर, प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर जैसे बाकी अदर सेंसर भी देखने को मिलेंगे। प्राइस एंड वेरिएंट की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB 128GB जिसकी प्राइस 18,000 के आसपास है, 8GB 128GB जिसकी प्राइस 20,000 के आसपास, और 8GB 256GB जिसकी प्राइस 22,000 के आसपास है। लॉन्च डेट की बात कर ले तो ये स्मार्टफोन मई महीने में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।